मध्य प्रदेश के खरगोन में अटेर के भाजपा विधायक द्वारा एसपी को थप्पड़ मारने की धमकी देने के मामले में गृह राज्य मंत्री बाला बच्चन ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा, मेरे संज्ञान में ये मामला है, पुलिस अपना काम कर रही है, कानून से बड़ा और कानून से ऊपर कोई नहीं है। मेरी जानकारी में आया है कि वहाँ इस तरह का कृत्य करने की कोशिश की गई थी, इस कारण हमारी पुलिस ने रोका है। मध्य प्रदेश में किसी को इस तरह कानून हाथ में नहीं लेने देंगे, जो भी इस तरह का कृत्य करेगा उसके खिलाफ ठोस कार्रवाई करेंगे। गृह मंत्री बाला बच्चन खरगोन जिला मुख्यालय पर पुलिस पेट्रोल पंप का शुभारंभ करने पहुंचे थे। कैलाश विजय वर्गीय के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए गृह राज्य मंत्री बच्चन ने कहा, इनकी 15 साल सरकार थी, कानूनी रूप से जो शिकंजा कसना था वो नहीं कस सके। वो हमारे 8 महीने की सरकार ने माननीय मुख्यमंत्री जी कमलनाथ के नेतृत्व में किया है। सभी तरह के अपराधों में गिरावट आई है। बैतूल में पीएचई मंत्री सुखदेव पांसे के इंद्रदेव के शिवराज सिंह से नाराज होने से अधिक बारिश होने के सवाल पर गृह मंत्री बाला बच्चन ने कहा, ये उनके व्यक्तिगत बयान है। पूर्व मंत्री विजय शाह के कांग्रेसियों को नपुंसक कहने के मामले में गृह मंत्री बाला बच्चन का कहना है, इसके इनकी सोच का लेवल पता चलता है कि इनकी मानसिकता क्या है। और मैं आपको यह बता देना चाहता हूं कि यह सरकार के आदि हो चुके थे, अब सरकार से बाहर रहने के कारण छटपटा रहे हैं। पहले स्टार्टिंग में ही इन्होंने कोशिश की कि इस सरकार को उखाड़ फेंके, लेकिन मैं यहाँ बता देना चाहता हूँ कि कमलनाथ जी के सरकार अंगद के पैर की तरह ही अड़ी है, इसलिए सारे बौखलाहट में इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं। खरगोन से अजय तिवारी की रिपोर्ट। पेट्रोल की एक शुरुआत हुई जी, इसके पीछे बड़ा आरोप नहीं, इसके पीछे सोच के कारण थोड़ी किया गया है। खरगोन के लिए, खरगोन पुलिस को IOC ने पेट्रोल पंप जो दिया है, डीलरशिप जो पुलिस को जो बनाई है, और आज इसका ओपनिंग हम लोगों के द्वारा हुआ है, उस अवसर पे हम सभी यहाँ इकट्ठे हुए हैं। आप सभी हमारे मंत्रीगण, विधायकगण, सभी आपके साथ आप लोग सब कवरेज कर ही रहे हैं, सभी दिख ही रहे हैं। तो सर्वप्रथम तो हम खरगोन पुलिस को, हमारी तरफ से DIG साहब को, SP साहब को और उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई और शुभकामना कि IOC ने खरगोन पुलिस को डीलरशिप जो दी है और डीलर जो बनाया है पुलिस को, इसकी हम कंपनी को भी इसका हम धन्यवाद देते हैं और खरगोन पुलिस को इसकी बधाई और शुभकामना हम देते हैं। खरगोन वासियों को भी और जो भी यहाँ से जो कंज्यूमर जो आएंगे डीजल और पेट्रोल जो लेंगे, उन सबका भी बधाई और शुभकामना। और इस पंप के रूप में एक सेंटर हम सबको भी जो मिला है, तो मैं समझता हूँ कि ये उपलब्धि है और उस अवसर पर आज हम सभी यहाँ इकट्ठे हुए हैं। सर, तीर्थनगरी महेश्वर में अभी 2 दिन पूर्व शराब माफिया द्वारा एक आबकारी इसको निरीक्षक के साथ शराब मारपीट की गई है और इस तरह की वारदातें अधिकतर होती रही है। देखिए, जो भी कानून को हाथ में लेने का काम करेंगे, कानून उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी और कोई भी कानून से बच नहीं सकता, कोई भी कानून से बड़ा नहीं है, कानून अपना काम करेगी। उसमें जो महेश्वर वाला मामला जिसका जो आपने उल्लेख किया है, उस पर कार्रवाई होगी और कानून अपना काम करेगा। कैलाश विजय वर्गीय जी ने एक बयान दिया है, सभी जेल में, कैलाश विजय में भी है, DIG साहब बोल रहे हैं कि सभी जेल में भी है जी। कैलाश विजय वर्गीय जी ने एक बयान दिया है कि कांग्रेस के शासन में सिमी और आतंकियों को बढ़ावा मिला। देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो इनकी 15 साल की सरकार जो कानूनी पॉइंट ऑफ व्यू से जो कसावट नहीं कर सकी, जो कार्रवाई नहीं कर सकी, वो हमने 8 महीने में माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय कमलनाथ जी की सरकार ने वो कसावट करके, वो कार्रवाई करके हम लोगों ने कानून व्यवस्था पूरी तरह से कंट्रोल करके जो रखी है और सभी तरह के अपराधों में गिरावट आई है, ये तो अपने आप जो आंकड़े बताते हैं। और अपने आप अपना जो कानून और कानून के हमारे जो रक्षक हैं वो खुद इन सारी चीज़ों के सभी के गवाह है। अटेर के विधायक BJP के हैं अरविंद भदौरिया, उन्होंने अभी हाल बयान दिया है कि खोप थाने में एक पुलिसकर्मी और एक BJP महामंत्री के साथ में मारपीट हुई थी, उनने SP को थप्पड़ मारने की धमकी दी। मैं परसों जा रहा हूँ, 18 तारीख को मेरी ग्वालियर संभाग की जो पुलिस विभाग की समीक्षा बैठक है IG साहब और सभी संबंधित SP साहबान के साथ में, और 19 तारीख को चंबल संभाग की बैठक है, और मेरी संज्ञान में ये मामला है भी, कानून इसमें अपना काम कर रहा है, पुलिस अपना काम कर रही है। मैंने यही बात जो अभी आप लोगों को बोली है वो इस पर भी रिपीट होगी कि कानून से कोई बच नहीं सकता, कानून से ऊपर और कानून से बड़ा कोई भी नहीं है। वहाँ मेरी जानकारी में जिस तरह से तथ्यात्मक जानकारी जो आई है कि ऐसा अपराध करने की कोशिश की गई थी या इस तरह का कृत्य करने की कोशिश की गई थी, इसलिए हमारी पुलिस ने रोका है और इस कारण से स्थिति जो बनी है, मेरी संज्ञान मेरी जानकारी में है।